हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना जरूर। क्या कहता है इसमें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। देखो कि इनमें से आपको बताना है कौन से सेट हैं या नहीं है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या कहता है, सेट की तो कहानी पता है, जो कि वेल डिफाइंड होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स या मेंबर्स, हम जो भी बोलते हैं, ठीक है। मेन है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो सभी के लिए क्या हो, सेम हो कहानी, ठीक है। जैसे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। अब देखो जो कलेक्शन होगी ऑल द मंथ्स, मंथ्स कौन से होते हैं ईयर में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब यहाँ पर देख लो आपके पास जे से कौन से स्टार्ट होते हैं, तो एक तो होता है जनवरी, ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून होता है, फिर जुलाई होता है, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो बस ये तीन होते हैं, ठीक है। तो आप किसी से भी पूछेंगे तो उसके लिए यही होगा, तो यानी कि ये क्या है, वेल डिफाइंड है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स या मेंबर्स जो भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या होंगे हमारे पास, यानी कि ये क्या है, हमारा सेट है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको आंसर में येस लिखेंगे, क्लियर। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। देखो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब राइटर्स बहुत सारे इंडिया में, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से पूछेंगे, किसी के लिए 10 कुछ होंगे राइटर्स बेस्ट, किसी के लिए कुछ 10 होंगे, क्योंकि इनके क्राइटेरिया क्या हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि किस में वो क्या टैलेंट देख रहा है ना। ऐसे पर्टिकुलर नहीं कह सकता कोई भी कि ये 10 ही हैं बस टैलेंटेड, ठीक है ना। हम किसी से पूछें वो ये कहें कि यही 10 टैलेंटेड है, ऐसा तो नहीं है। डिफरेंट हो सकते हैं नेम्स डिफरेंट पर्सन से अगर हम पूछते हैं, तो यानी कि ये कलेक्शन ऑफ जो है वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है, तो नो लिख दिया हमने इसको, ठीक है। इसमें जस्टिफिकेशन में लिख सकते हो आप कि डिफरेंट पर्सन हैविंग डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ द टैलेंट ऑफ राइटर्स, ठीक है। तो उनके मेजर करने की कहानी अलग अलग वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन कि किसमें क्या टैलेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हो। थर्ड क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अब 11 क्रिकेट के बैट्समैन हैं जो, ठीक है, वर्ल्ड के, वो भी अलग अलग वेरी करेंगे, ठीक है ना। किसी की ओपिनियन कुछ होगी इनके बारे में, किसी की ओपिनियन कुछ होगी, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड होता है कि जो चेंज हो सके, तो चेंज हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से पूछेंगे उसकी अलग अलग कहानी बताएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा नो ही होगा आंसर। क्या इतनी बात क्लियर है। अगला देखो क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखो जो कलेक्शन है, जैसे मान लो आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आपने कहा कि हमारी क्लास में जो है 40 तो हैं क्या बॉयज़ और 20 हैं गर्ल्स, ठीक है। तो अब किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि 40 ही हैं बॉयज़, और उनके नेम भी बता सकते हैं, वो आगे पीछे कर सकते हैं नेम को, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था सेट में क्या होता है, हमारा लिस्टेड नहीं होने, मतलब ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ऑर्डर में है या नहीं है ये ज़रूरी नहीं है सेट के अंदर, हाँ, लेकिन पर्टिकुलर नाम वही होंगे जो इन 40 के हैं, क्योंकि यही 40 आपकी क्लास में है, तो इन 40 के नाम होंगे रजिस्टर में कहीं पर, तो किससे पूछेंगे वो यही 40 बताएगा, ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन कहेगा। तो यानी कि ये सेट है, तो हम इसमें येस लिखेंगे, क्लियर। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये तो है ही है, साफ ही पता चल रहा है। लेस देन 100 से जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे जैसे 1 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 4 एंड अप टू कहाँ तक जाएंगे, ये 99 तक जाएंगे, बिकॉज लेस देन 100 कह रहा है। तो यानी कि ये तो क्या है, हमारा वेल डिफाइंड है, किसी से भी पूछेंगे तो ये यही बताएगा, तो यानी कि ये सेट है हमारा, ठीक। सिक्स्थ क्या कहता है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये भी सही है, देखो अब जो राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उनकी जो नॉवल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आप किससे पूछोगे, जो उनकी नॉवल्स हैं वो बता देंगे ना। वो अलग बात है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन बताएंगे नाम, लेकिन वो आगे पीछे नाम बता सकते हैं, है ना। कोई बुक का नाम पहले बता देगा, कोई कोई तीसरे नंबर बोलेगा, लेकिन वो नहीं है बात, ठीक है, क्योंकि लिस्टेड इन ऑर्डर नहीं की कहानी कुछ है ही नहीं सेट के अंदर, ठीक है ना। अब वही होनी चाहिए नॉवल्स जो उन्होंने लिखी हैं, ये ऑब्वियस ही बात है, वो तो चेंज हो नहीं सकती, जो इन्होंने लिखी है नॉवल्स वही रहेंगी, ठीक है ना। तो हम कहीं भी देखेंगे तो वो वही नाम हमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या है, वेल डिफाइंड है, तो ये येस होगा इसका भी, ठीक। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये तो सभी को पता ही है, इवन इंटीजर्स तो सभी को ही पता है, ठीक है ना। कौन से होते हैं ऑल इवन इंटीजर्स, बताओ। इंटीजर्स की कहानी है, तो इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी आते हैं नंबर, और इवन की बात है, ठीक है ना। तो इवन क्या होता है, जो 2 से डिवाइड है, तो अगर हम माइनस वाले देखें पहले, तो ये हमारे -4 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, और फिर हमारे कौन से चलेंगे,
पॉजिटिव वाले, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये डॉट 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 लगा दो, इधर भी ये डॉट 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 लगा दो, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो सभी को ही पता है कि ऑल इवन इंटीजर्स कौन से होंगे जो कि टू से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यस लिखेंगे इसमें। अब ये अरेंजमेंट ऐसे लिखा है मैंने, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, 4, 6, माइनस 2, माइनस 4, माइनस 9, ऐसे माइनस 8, सॉरी इवन है ना, इवन, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई ऑर्डर में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है। और एक और मैंने आपको बताई थी कि रिपीट नहीं होते सेट्स में, है ना, रिपीट नहीं होते लेटर्स या कोई भी नंबर्स है हमारा। देखो अब एट क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब ये भी पता ही है सभी को, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, और कौन कौन से हैं, ये सभी देख सकते हैं बुक में, वही रहेंगे सारी दुनिया के लिए इस चैप्टर में क्वेश्चन इस बुक की, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे कि ये भी क्या है हमारा सेट है। नाइन्थ क्या कहता है, कहता है हमारे पास नाइन्थ में कहता है अस क्या बोल रहा है यहाँ पर, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो कलेक्शन है मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, अब ये भी कोई ऐसा नहीं है कि जो एक डिफाइंड हो हमें कोई चीज़ की, भाई यही है डेंजरस एनिमल्स, है ना, किसी के लिए कोई डेंजर है, किसी के लिए कोई डेंजर है, किसी को किसी से ज़्यादा डर लगता है ना, तो वो चीज़ वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। तो ये चीज़ भी हमारी सेट में कंसिडर नहीं होती, तो इसको भी हम नो ही लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ आया समझ में। तो वही है कि अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है ना, तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी क्या करवाया है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।